बहुत इंटरव्यूज एंड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वॉकिंग स्टाइल से पता लग जाता है बंदे की अंदर की पर्सनालिटी कैसी है, एंड आई एग्री विद देम। जैसे कि कोई छोटे छोटे स्टेप्स लेता है बट नीचे देख के चल रहा होता है, यूजुअली इंट्रोवर्ट और शाय रहते हैं, और क्या कोई ऐसे चल रहा होता है दैट मीन्स दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बट जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, कोई पैर ड्रैग करके धीरे धीरे और बिल्कुल नीचे देख के चलता है तो वो थोड़ा चिंता ज़्यादा करता है, कोई हाथ ऐसे रख के चल रहा है, अब उसको अपने जोन में रहना है, कोई अंदर मत आओ। अपनी वॉक को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं, अपने पॉस्चर के लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो बेटर करता है आपका पॉस्चर, जैसे कि स्टैंडिंग रो हो गई, ब्रिजेस हो गए, प्लैंक हो गए, उसके अलावा हाथों को अंदर नहीं रखना, आपको बाहर नेचुरली जो स्विंग करते हैं हाथ वैसे ही रखना है, पोस्चर ज्यादा बेटर रहता है। वो अंकल सुबह वॉक करते हैं वो वाला स्विंग नहीं, जो नेचुरल स्विंग आता है, और क्या आपका नेक एंड शोल्डर जो रहेगा थोड़ा सा ऊपर या स्ट्रेट रहेगा, नॉट डाउन। एंड हील टू टो टेक्निक जो एक्सपर्ट्स अपनी वॉक इंप्रूव कराते हैं पेशेंट्स की, पहले हील रखते हैं फिर आप टो रखते हैं, दैट इज द बेस्ट वे। एंड कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, साथ साथ शूज होने चाहिए, नहीं तो ज्यादा टाइट होगा तो आपकी वॉक को रिस्ट्रिक्ट करेगा या वॉकिंग स्टाइल को चेंज करेगा।